अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहेंगे जोर का जोर स्पेशल ट्रांसमिशन में। और आज जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच, और लग ऐसे रहा है कि आसान नहीं होगा जनाब पाकिस्तान के लिए इस वार्म अप मैच के हॉट स्कोर को चेस करना। क्यों कर देखिए, पाकिस्तान कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने के लिए आया था तो पाकिस्तान ने बड़े रन्स चेस किए थे इनके खिलाफ। पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 350 रन स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे इत्तफाक ना करें, इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं, अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलने में कामयाब होते हैं, लक उनको थोड़ा बहुत साथ फेवर करती है, क्योंकि उसके बगैर आप चल नहीं सकते, तो ये पाकिस्तान की टीम 350 रन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ये फ़खर जमान और इमाम खेल रहे हैं। आप देखें कि इब्तदाई 4 ओवर्स में पाकिस्तान ने 30 के रन स्कोर कर लिए हैं। तो पावर प्ले अगर पहला अच्छा खेलते हैं, विकेट पाकिस्तान की नहीं गिरती है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चले जाते हैं, तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग भी कर सकती है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी किसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन के बॉलर से कम नहीं है। पाकिस्तान के बॉलर्स को रन्स हो सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी रन्स हो सकते हैं, और पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी सलाहियत मौजूद है। और आप देखें कि हमारी बैटिंग ये नहीं है कि 4-5 पे ख़त्म हो जाती है। हमारे जो बैटिंग है, ये शाहीन शाह अफरीदी, हारिस शोव तक छक्के लगाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी लंबी बैटिंग भी कर जाते हैं। करते सब कुछ सब है, लेकिन बात ये है परफॉर्म करें इस टाइम एट द मोमेंट। इसमें बिल्कुल उम्मीद है, पाकिस्तान की टीम में इसमें सलाहियत मौजूद है, ये कर सकते हैं और ये करेंगे। अल्लाह करे कि अगर ये अगर ये करते हैं तो आप देखें कि आपको प्रोग्राम करते हुए ज्यादा खुशी होगी। आपकी एनर्जी इनकी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। हाँ, ये तो है। आप बताएं सर, आप क्या स्ट्रेटजी? मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी इमरान भाई की बात से। बिल्कुल हम ये चेस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अभी हमारी बैटिंग आनी है, और जिस तरह से ये खेल रहे हैं और फ़खर जिस तरह से खेल रहे हैं, मैं स्पेशली फ़खर जमान की बात करूँगी, इमाम तो हमेशा से माशाल्लाह से फॉर्म में रहते हैं और वो अच्छा खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से स्टिल खेल रहे हैं। फ़खर की मैं बात करूँगी, जिस तरह वो खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, अपने पास खेल रहे हैं, वाकई लग रहा है कि उन्होंने मेहनत की है पिछले दिनों में। जो जिस चीज़ से वो कह लें स्ट्रगल कर रहे थे, अभी दोनों ने बहुत अच्छी कह लें कि चौके अच्छे खासे लगा चुके हैं। तो इस विकेट पर सिर्फ टाइम करना है, जितनी अच्छी पेस है, स्ट्राइक कर रहे हैं, कमिंस कर रहे हैं, दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, सिर्फ कह लें कि सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ टाइम करना है बॉल को। और मिडल ओवर्स में जो है ना, वहाँ पे अब हमें देखना होगा कि हमेशा से है मिडल ओवर्स, इवन बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, हम एशिया कप में भी हमने थोड़ा स्ट्रगल किया है, तो पाकिस्तान को वहाँ पे थोड़ा सा संभलना होगा और स्ट्राइक रोटेशन करते रहना है और पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। तो ये 350 हम आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं पाकिस्तान, बिल्कुल कर सकते। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग दिस टारगेट? इसमें यही है कि लोगों का कहना है कि वो स्पिनर्स से कुछ डिसअपॉइंटेड हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड हैव द गुड बॉलर्स, लेकिन बैटिंग पर उन्हें उम्मीद है और उनका मानना यही है कि होपफुली टारगेट कर जाएगा, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। चलिए जी, जंजानी साहब से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जाहिर साहब, परफॉर्मेंस आपने से देख ली फर्स्ट हाफ की, सेकेंड हाफ जारी है, क्या कहेंगे आप इनके सितारों को देखते हुए? बिल्कुल जी, हमारा दिल, मैं और सितारे जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान की फेवर में हैं, और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है आज हमें खुशखबरी देगा इस वार्म अप मैच के अंदर, और मैं बड़ा होपफुल हूँ। और प्लैनेट्स की पोजीशन भी पाकिस्तान की फेवर में जा रही है, और सो फार अभी जो मैच चल रहा है इसके अंदर भी फिलहाल लग रहा है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बहरहाल सितारे जो हैं पाकिस्तान की फेवर में। चलिए जनाब, ये तो व्यूअर्स भी खुश हो गए होंगे सुन के कि सितारे भी साथ दे रहे हैं। हाफिज़ तो पहले ही आपकी बात सुन के बड़े हैप्पी हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, थोड़े से कमेंट्स में पढ़ रही थी, लोग कह रहे हैं कि शादाब ने आज कोई विकेट नहीं ली और मायूस कुन कारकर्दगी उनकी रही, और दिस इज़ द वर्स्ट बैड फॉर्म ऑफ हिज फेस राइट। देखिए, वो इसलिए भी ज़्यादा बुरी लगेगी कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और अगर आप बाहमी सीरीज खेल रहे हों या कोई छोटा टूर्नामेंट खेल रहे हों तो इतनी ज़्यादा नज़रें नहीं रहती। इतनी अच्छा, ज़्यादा एक आउट हो गया, ये मैं आपको बता दूँ। इसका सितारा कहीं डूब गया, फखर सा का सितारा तो नहीं। ओहो, इमाम चले गए, अभी हम इमाम की बात कर रहे हैं, तो वो लगता है मुझे संजानी साहब उसका सितारा कहीं ऊपर नीचे हो गया। वो सही कह रहे हैं आप, ये ए ए ए वर्ल्ड के जो लोग हैं ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, चाहे वो किसी भी टीम का हिस्सा हो, ये कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। चलिए जी, ये भी जरा देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये शादाब के लिए इसलिए ज्यादा बात हो रही है, उनकी कारकर्दगी पर निगाह ज्यादा इसलिए है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा है, और उससे पहले पाकिस्तान ने एशिया कप खेला है। तो आप एक ही माह के अंदर
छः हफ्तों के अंदर अंदर आप दो बड़े टूर्नामेंट्स जब खेल रहे होते हैं और आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती और आप टीम के नुमाया खिलाड़ी होते हैं तो आप पर बात ज़्यादा होती है। आज देखें वो खेले हैं लेकिन उसामा मीर ने बॉलिंग की है, उसामा मीर ने विकेट्स भी लिए हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि जो बाहर बैठा हुआ है अगर उसको मौका दिया जाता है तो वो भी बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकता है। शादाब ज़हनी तौर पर मजबूत खिलाड़ी हैं, मुसलसल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तान का एतमाद उनके साथ है, टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर बड़ा एतमाद करती है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, फिर निचले नंबरों पर आकर वो पाकिस्तान के लिए रन्स जोड़ सकते हैं तेज़ी के साथ अच्छे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप आदादो शुमार को देखते हैं, उनकी क्रिकेट की तारीख को देखते हैं, तो ये सारी उनके दिफा में तो जाती हैं। अब यह है कि क्या वो इस तजर्बे से जो उनको हासिल हुआ है और जो एतमाद उन पर कप्तान का है, टीम इंतजामिया का है, सिलेक्शन कमेटी ने उनके ऊपर किया है, क्या वो इस एतमाद पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, अपने इंतखाब को दुरुस्त या गलत साबित सिर्फ अब कौन कर सकता है, सिर्फ शादा भी कर सकते हैं। ये खेलना कि दो लेग स्पिनर्स के साथ आप कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेल सकते इसमें? नहीं नहीं, नहीं खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर सामने आप एक खेल रहे हैं और दोनों एट अ टाइम दोनों लेफ्टी बैटर्स जो हैं वो क्रीज में आ गए हैं तो आपको तो फिर अगर आप लेग ही लगाएंगे तो आपकी बचत है मुझे लगता है। सॉरी अगर हाँ लेफ्टी बैटर्स अगर आ गए हैं तो आप दोनों तरफ से लेगी या ऑफ स्पिनर भी लगा सकते, दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर लगा सकते तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसी तरह लेग स्पिनर के लिए राइटी को ज़्यादा वो मुश्किल में डाल सकता है, तो ये चीज़ नहीं है कि एट अ टाइम एक ही लेग स्पिनर खिला सकते हैं। अगर देखें अभी शादाब जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर टीम में दो लेग स्पिनर होंगे तो उसामा मीर अच्छा कर देंगे, तो शायद शादाब जब उनको देखेंगे कि किस लेंथ पे किस जगह पे बॉल फेंक रहे हैं तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे और मे बी वो भी कामयाब हो जाएं। तो जैसे एक टीम में एट अ टाइम दो लेफ्टी बैटर्स खेल सकते हैं तो दो लेगी भी खेल सकते हैं। शादाब की कारकर्दगी काफ़ी सवाल है, ये मुझे ज़रा सा मौका दीजिए फिर मैं जंजानी साहब को ज़रा फ्री कर दूँ। जैसा ये शादाब की हम बात कर रहे हैं, उनके सितारों में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है? बिल्कुल है, अभी गुज़श्ता रोज इनके जायचे के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो शादाब के लिए ये जो अक्टूबर का मंथ है और ये जो सीरीज़ खेल रहे हैं उनके लिए टफ है। उसकी वजह ये है चूँकि इनका जो नाम के मुताबिक जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न वो आजकल रेट्रोग्रेशन में है, यानी उल्टा चल रहा है, और इस वजह से आप किसी ना किसी अंदाज में अपने आप को वीक परफॉर्म हो जाते हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसा लोग आपसे उम्मीद या एक्सपेक्ट कर रहे हों, और ये भी सिचुएशन इनकी 11 नवंबर तक रहनी है, तो इनको थोड़ी सी मेहनत अभी करनी होगी। प्लैनेट्स शादाब की फेवर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज में और जंजानी साहब बता रहे हैं 11 नवंबर तक, सर हाफिज साहब भी पूछ रहे हैं 11 नवंबर तक वर्ल्ड कप ही गुजर जाएगा। एक प्रेडिक्शन तो इनकी कल वाली ठीक हो गई है कि बाबर आजम की कप्तानी तो कमजोर जा रही है, कि वो तो आज शादाब ने ले लिया, बाबर आजम आज रेस्ट पर थे, लेकिन अब शादाब की भी कमजोर जा रही है, तो जंजानी साहब आप सितारों के मुताबिक किसको समझते हैं कि उसको कप्तानी ले लेनी चाहिए? देखिए बाबर आजम आज के मैच में वीक हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो काफी ज्यादा वीक रहेंगे, क्योंकि बाबर आजम एक अच्छे टाइम और अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, और आज के दिन के मुताबिक सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, और लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ये मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम जानी साहब आपका और सर आपके वक्त का। वर्ल्ड कप है, शादाब खान साहब को तो ड्राई दिया, लेकिन अपने सितारे उधार लेने पड़ने के किसी और के सितारे लेने। अच्छा ये जैसे अभी इरम बात कर रही है और आपने सवाल किया था ना दोनों लेग स्पिनर्स, देखे जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो अब शेन वॉन को देख लें, मरहूम अब्दुल कादिर साहब को देख लें, तौसीफ अहमद इकबाल कासिम को देख लें, मताया मुरलीधरन को देख लें, अनिल कुंबले को देख लें, मुश्ताक अहमद शाहिद खान आफरीदी साहब को देख लें, ये जितने भी स्पिनर्स हैं इन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है और दाएं और बाएं दोनों तरह के बल्लेबाजों को बॉलिंग करके आउट करते रहे, ये क्रिकेट में नई नई चीज़ें अब आई हैं ना, तो ये एक नई जिसके ऊपर ज़्यादा जोर होता है, हो सकता है कि कुछ इसमें बेहतरी हो, और सोचने वाले का फ़र्क है कि जी अगर राइट आर्म लेग स्पिनर राइट आर्म बैट्समैन आ गया ना तो आप कोशिश करें ना जी कि यहाँ पे अगर ऑफ स्पिनर जो है ना इसको आउट नहीं कर सकते। ग्लेन मुश्ताक ने क्या राइट आर्म बैट्समैनों को आउट नहीं किया? क्या खब्बे बॉलर्स को राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने आउट नहीं किया? तो ये आपकी महारत है कि आप हर तरह के बल्लेबाजों को आउट करते हैं, और पाकिस्तान का जो मसला अब इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि सितारों के हाल तो ख़राब हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो हाल ख़राब है वो ये है कि पेयर्स पाकिस्तान के टूटे हैं। पेयर्स कौन से टूटे हैं? पाकिस्तान का ओपनिंग बॉलिंग पेयर टूटा
नसीम और शाहीन का, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो है इमाम और फखर, वो अदम इस्तेकाम का और अदम तसलसल का शिकार है। पाकिस्तान का मिडल में जो बॉलिंग पेयर है वो ठीक नहीं चल रहा है नवाज और शादाब की सूरत में। जब तक पेयर्स आपके परफॉर्म नहीं करेंगे आपके लिए मैचेस जीतना, फतूहात हासिल करना मुश्किल होगा। अच्छा मुझे ये बताएं फील्डिंग को आज कैसे रेट करेंगे आप? देखिए पाकिस्तान की फील्डिंग एशिया कप से लेकर आज तक जो आज का मैच है तो इनमें फील्डिंग भी पाकिस्तान उतनी अच्छी नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फील्डिंग का मायार खराब है, पाकिस्तान के ये तमाम खिलाड़ी इनकी फील्डिंग अच्छी फील्डिंग के लिए माने जाते हैं। शादाब खान को देख लें, फ़खर को देख लें, इमाम को देख लें, खुद बाबर आजम, ठीक है हारिस रऊफ कितना ग्राउंड कवर करते हैं, वो बड़े बड़े मुश्किल कैचेस वो लेते हैं। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान की ये वाली फील्डिंग जो साइड है इसमें आपको बड़े अच्छे फील्डर नज़र आते हैं। अब मसला ये आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सितारे ज़्यादा ही ख़राब हैं कि जो अच्छी वाले सीधे कैच छूट रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है तो जंजानी साहब से, जंजानी साहब मैं आज एक वो मैच ऑफ द मोमेंट नोट करी थी कि वो छोड़ भी रहे थे कैच तो दे वर वेरी रिलैक्स, कोई नहीं ये अब उसको इरम ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि आप इसको फील्डिंग की गलतियों को इस तरह से नहीं ले सकते, भले आप वार्म अप मैच ही खेल रहे हैं लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं पर जब आप वर्ल्ड कप मैचेस शुरू हो जाएंगे बच्चों की आदतें पुख्ता हो जाती हैं। अच्छा सम टाइम ऐसा हमें देख के लगता है कि रिलैक्स होते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं होते, जब कोई कैच ड्रॉप होता है ना इवन हम ये देखते हैं ना कभी कभी अपनी बरादरी को सपोर्ट भी करना शुरू हो जाती है। नहीं बिल्कुल, मैं एज अ प्लेयर अगर ये जैसी जब कोई बात होती है तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर ले लेती हूँ कि यार मैं क्या फील करूंगी, तो मुझे उस वक्त ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं कोई कैच ड्रॉप करती हूँ, चाहे वो किसी क्लब क्रिकेट का मैच क्यों नहीं, अगर मैं कोई कैच ड्रॉप करती हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। उस चीज पे कह लें कि फील्डिंग को ये चीज एक हमारे कंट्रोल में, हम बिल्कुल बात करें कि विकेट थोड़ा सा सपोर्ट बचा लें, दो आउट हो गए यार लगता है ये हमारी नजर लग रही है। एक जंजानी साहब सितारों का हाल जो है वो लिख रहे हैं और दूसरा ये इधर मीरा पता नहीं साहब भी नोट किए जा रही है। आपकी आपकी ये प्रेडिक्शन बेहतर है, आपकी ये प्रेडिक्शन बेहतर नहीं है, ये थोड़ा अवॉइड रख रही है हमारे साथ, ये फखर जमान आउट हो गया। हाँ जी बस ये जिसके ऊपर चले ये फिर जो कौन सी है कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था जी, वही पत्ते हवा देने लगे, लेकिन हमने अब वो रिकॉर्ड वाली बिठा ली है जो फखर आउट हुए हैं। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के यही प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही परफॉर्म करना है, इन्हीं से हमारी तवक्को है, इन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया हुआ है। अब कल हम जब बैठेंगे तो देखेंगे कि आउट कैसे हुए हैं, आउट कैसे और उस पर बात होगी, लेकिन इस टीम के साथ ही सबकी उम्मीदें हैं। ये 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ का मुल्क है, ये सारे लोगों के जज्बात इन्होंने ही आगे बदलने हैं। अच्छा अगर मुझे ये बताइए पाकिस्तान तो चले अब हम उसकी हामियों पे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो परफॉर्मिंग, सो हाउ डू यू रेट इट? देखिए एक तो वो मेंटली हमेशा से आप उनकी रिवायत भी देखते हैं, तारीख भी देखते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। जब वो यहाँ पर यूएई में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे ना T20, तो उनको कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से चैंपियंस बन के निकले। exactly. तो पाकिस्तान को उन्होंने सेमीफाइनल हराया और उसके बाद फाइनल भी जीते और फिर वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीत के वो घर चले गए। यहाँ पर भी वो आए ना तो इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं, ये लोग उनको इनकी माजी की कारकर्दगी को देखते हुए और इनके क्रिकेट खेलने के अंदाज को देखते हुए इनको ये तो रख रहे हैं कि टॉप फोर में रख रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा बात हो रही है इंडिया की और इंग्लैंड की, लोग इनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अभी से कि शायद यही फाइनल दोनों टीमें खेल रही होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, आज देखेंगे उन्होंने अगर पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन किए हैं तो हारिस रऊफ कोई मामूली बॉलर तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब ये इरम भी एक बात करी थी कि जी पिच बड़ी अच्छी है, रन होने वाली है, सो द पॉइंट इज कि फिर पाकिस्तानी बैट्समैन के पास तो रीज़न नहीं है, उनके भी बल्ले से रन उगलने चाहिए। बिल्कुल ये अभी हमने देखा नहीं कि आउट किस तरह से हुए हैं, लेकिन इमाम का मैंने अभी देखा है तो उनका कॉट बिहाइंड हुआ है, जो कि पिछले मैच में भी सेम कॉट बिहाइंड हुआ है, एज लगा है, तो अब डोंट नो कि उन्होंने अवे खेला है, हमने अभी देखा नहीं, तो वो देखेंगे तो इस चीज़ पर बात कर सकते हैं, लेकिन नो डाउट विकेट बहुत अच्छी है जो नज़र आ रही है। थोड़े से कह लें कि टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, फ़खर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टेक्निकल इश्यू उनमें तो है वो चीज़, अभी शाहिद भाई भी बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा है उस चीज पे, बेशक वो काम कर रहे हैं, तो मैं फिर वही बात कहूँ चुके हैं जी दो आउट, मैं फिर वही बात कहूंगी कि हम लेकिन ठीक है, हमें हमें परेशान नहीं होना, बिल्कुल हमें स्टिल सपोर्ट करना है, ये एक वार्म अप गेम है, तो बिल्कुल वार्म अप गेम है, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है अपनी टीम को,
इसलिए ज्यादा कह पैनिक नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं करना, बट इन्हीं गलतियों से कोई टाइम सीखे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर रन्स ऑस्ट्रेलिया ने, अगर बैटिंग पिच है, पिच आसान है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं तो पाकिस्तान को भी करने चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किए और न्यूजीलैंड ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ किए। पाकिस्तान ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना, उन्होंने भी किया। आप उधर क्या देख रही है? मुझे लगा मैच आ जाएगा, शायद कोई सितारा आ गया। नहीं नहीं, मुझे लगा मैच आ जाएगा। और मैं ये सोच रही थी कि स्टार्क को पिछले ओवर में 13 स्कोर आया, लेकिन अब जो है वो ही ना कि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बैड हो रहा था पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस किसी आपको लगी है? किसकी? उसामा की। उसामा अच्छे हैं, उसामा देखें उनकी बहुत ज्यादा गुस्सा, मुझे लगता है इन्हें भी बड़े पसंद है। उनकी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, उनके बारे में वो याद है एशिया कप में है ना, वो द वन सपोर्टर ऑफ उसामा, कहां है मुझे लगता है। अच्छा, वो अच्छे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जब उनको मौका मिला, फिर उनके बाद पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब हुए, फिर वो इंग्लैंड खेलने के लिए गए। वो मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, तो वो सेलेक्टर्स का एतमाद और कप्तान का एतमाद जीतने में कामयाब हुए हैं। गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो क्रिकेट के माहिरीन हैं, मुश्ताक अहमद साहब, फिर यूसुफ साहब, फिर शाहिद खान आफरीदी साहब, तो सबके सब उनकी गेंदबाजी के मोतरफ हैं। और आज उनको मौका मिला, उन्होंने आज भी किए, पिछले मैच में भी उन्होंने आउट किए थे, उनको शुरू में रन्स हुए लेकिन उन्होंने कमबैक किया, विकेट्स लिए, अच्छी गेंदबाजी की। आज भी जो टर्न हुए आप देखें, स्लिप लगा एक, उन्होंने स्लिप में आउट किया उन्होंने, ठीक है, हारिस को भी स्लिप हुआ है, फिर उसामा मीर की गेंद के ऊपर भी एक उन्होंने बैट्समैन को, जो एक अच्छा लेग स्पिनर करता है कि बॉल हवा में छोड़ता है, वो ड्राइव खेलने के लिए बैट्समैन जाता है और निक लगती है तो आउट होता है। तो ये जो एक रिवायती लेग स्पिन बॉलिंग है वो उसमें करते हैं, उनकी गेंद में जान है, फ्लाइट करते हैं, बॉल गिरने के बाद घूमता है। 53 रन हो चुके हैं, चौका एक लग चुका है। अच्छा, वैसे अच्छी चीज है कि इफ्तिखार को भेजा, अच्छी चीज है कि इफ्तिखार बैटिंग के लिए आए हैं। और इनका ये वैसे आप जिस तरह इरम गई थी, कॉम्बिनेशन कौन कौन से यूज करने, ये भी थोड़ा सा इस मैच के बाद क्लेयर बाबर आजम साहब को, बाबर खेलेंगे, देखें बाबर ने बैटिंग करनी है, उन्होंने कहा था कि जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि बैटिंग करनी है। अच्छा जी, ऑनलाइन बताइएगा, कुछ कॉमेंट्स आ रहे हों, कुछ ये पहले इधर लिखती हैं फिर किसी को मैसेज करती हैं। ये लिफाफी कमेंट्स ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह इन्होंने इफ्तिखार को भेजा ना, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो पाकिस्तान भी ना अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहा है, तो दिस इज़ वेरी नाइस। कि हम यही बात कर रहे थे कि इंग्लैंड भी जिस कह लेंगे तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है, तो इस वर्ल्ड कप में जो तगड़े होके खेलेगा ना, और कह लेंगे खुले दिल से खेलेगा, क्योंकि बिग इवेंट है तो बिग हार्ट से जाएंगे, तो अच्छा, ये ट्रॉफी नीदरलैंड्स के साथ मैच होने वाला है, हॉलैंड के साथ, उनकी मेहरबानी से पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। उन्होंने यहाँ पर पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी नीदरलैंड, उनका वार्म अप हुआ है कोई अभी तक? हाँ, उन्होंने आज इनका क्या आप असेस करते हैं, एक इससे पहले जो उनका वार्म अप मैच हुआ था उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये वार्म अप खेले थे मेरा ख्याल है, उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। देखें, ये जो जिन भी मुल्कों के साथ लैंड लगता है ना, ये एक तो ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं, ठीक है, और चूंकि वो प्रोसेस से होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अचानक क्रिकेट खेली शुरू की, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये नीदरलैंड है, ठीक है, हाँ, इनके जो ये जितने लैंड है ना, इनकी एक है कि ये प्रोफेशनल ज़्यादा बेहतर होते हैं और ये स्पिन को अच्छा नहीं खेलते थे माजी में, लेकिन अब उन्होंने स्पिन को भी अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। इनको हल्का पाकिस्तान हल्का किसी को नहीं ले सकता, आज हांगकांग के खिलाफ देख लिया ना आपने एशियन गेम्स में, बिल्कुल एशियन गेम्स तो पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ ऐसे खेलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ नीदरलैंड, कौन से खिलाड़ी आपको लगता है कि भाई इट्स हार्ड टू डील? देखिए, जब वो साउथ अफ्रीका को T20 मैच में हरा सकते हैं तो हैरान तो वो किसी को भी कर सकते हैं, क्वालिफाई करके आए हैं वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज को हरा के आए हैं वो, वेस्ट इंडीज नहीं है वर्ल्ड कप में, जो कि एक अच्छी टीम और हर वर्ल्ड कप में हर इवेंट में होती है, बट पहले दो वर्ल्ड कप जीते हुए उन्होंने, वो जीते हुए हैं लेकिन इस वर्ल्ड कप में नहीं है, उनको हरा के आए, तो इसका मतलब कि उनके जो मजबूत खिलाड़ी हैं ना, उनका हर खिलाड़ी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, और पाकिस्तान तो हांगकांग के खिलाफ भी मैच फंसा लेता है, पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे वैसे वर्ल्ड कप में 130 करके पाकिस्तान हार 130 चेज नहीं हुआ था, और उसके बाद कहा गया था कि ये 10 रन ज्यादा हो गए, मतलब 120 कर लेते तो मुझे लगता है इंडिया वाला सितारा इनकी तरफ घूम के आया है। ये बड़ी कड़वे सच पूछ रहा हूं, अब तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए, अच्छा अच्छा, ये अब
आप देख रही हैं कितना सपोर्ट करेंगे, कौन तक उसने देखने छोड़ दिया नहीं इससे पहले जब तक दो आउट नहीं हुए थे ना, ये हर बात के बाद फॉर फॉर की टीवी लग गया, जब से आपने बताया कि दो आउट हुए हैं उसने टीवी की तरफ देखने छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं आखिरी दम तक सपोर्ट करूंगी अपनी टीम को, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से मैं भी यहाँ बैठी हूँ और ये सब भी इतने बिग इवेंट में गए हुए हैं पाकिस्तान। पीपल आर एक्चुअली आस्किंग ऑन द सोशल मीडिया कि पूरे 10 ओवर्स देना, आप दोनों से मेरा सवाल है कि 10 ओवर्स पूरे किसी को भी नहीं दे रहे, तो इट्स अ बैड स्ट्रेटजी। नो नो नो, ये एक वार्म अप गेम है, तो चार चार ओवर मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि आगे बिग इवेंट है और बिग मैचेस हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी लगनी है। नोट कर लें, ये मैं नोट कर रही हूं, बिल्कुल एनर्जी ज्यादा लगनी है, और जितनी एनर्जी सेव करके आप चलेंगे तो ये अगले मैचेस में इंशाल्लाह आप देखेंगे नजर आएगी टीम। लेकिन 10 ओवर्स कप्तान तो ये तो प्रैक्टिस मैच है, कप्तान तो इंटरनेशनल मैच में भी कई को, लेकिन रेपुटेशन भी तो होती है ना, ये बात मजाक के हर से है, लेकिन अब देख लूं मैं नहीं नहीं आप कुछ भी नहीं देख रहे भाई 55 रन जो ये है, क्योंकि वार्म अप मैच है ना, तो मैक्सिमम बॉलर्स आप अपने इस्तेमाल करते हैं, गेम टाइम देते हैं सबको। प्रैक्टिस मैच का मतलब यही है कि आप हर किसी को जो है ना एक मौका दे दें, वो अपने हाथ बाजू खोल ले, आप चेक कर लेते हैं। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि कोई फॉर्म में वापसी हो जाती है किसी की अगर खुदा ना खास्ता कोई हल्की फुल्की इंजरी है तो पता चल जाता है कि ये मैच फिट नहीं है। तो ये इस एक हिकमत अमली के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं कि अगर उन्होंने सबको 10 ओवर नहीं दिए तो जिनको दिए उनको पिटाई हो गई है, तो अच्छा नहीं है कि नहीं दिए। 17 ओवर पर 170 स्कोर था अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला था, तो बेहोश हो रहे हैं क्यों भाई 17 में 170 देखिए रन्स हुए हैं पाकिस्तान को ना, रन्स हुए हैं और हारिस जो हैं उनको रन। अच्छा वार्म अप मैच में हुए हैं और जब मैच होगा तो पड़ेंगे देखिए ये जब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई बात होती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई एक जुमला कहा जाए तो उसके मानी और होते हैं, और अगर कोई रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसका मतलब कुछ और होता है। अगर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं तो स्पीकर साहब पार्लियामेंट को हज़्म कर दिया। अभी जस्ट रीसेंट डॉक्टर फिदौस आशिक अमान साहब वाज हियर और वो उन्होंने पॉलिटिक्स हटवा के मैच लगवाया, सो एकदम उन्होंने कहा शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के साथ, तो हम किसी दिन भाई उन्हें बुला के आने वाली है वो आती थी PSL के जब मैचेस होते, वो PSL के मैचेस में कदावी स्टेडियम भी आई हैं उनको, जब वो थी गवर्नमेंट में थी ना, जब हुकूमत में थी, तो इनका शौक होता है बहुत सियासतदान देखे। मैं मेरा ये खुद भी उन्हें मेरे एक दफे से खेलते देखा है। हाँ जी गवर्नर हाउस में मेरा ख्याल गवर्नर सर्वर साहब को उन्होंने बॉलिंग की हुई है। चलिए जनाब लेट्स होपफुल और उम्मीद करते हैं कि अच्छा स्कोर पाकिस्तान ये खेलते 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 चेज कर जाए, बिकॉज वार्म अप मैच लिख रही है वार्म अप मैच सही बट मैच तो है और पाकिस्तानी उसी शौक से वे मैच देख रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे हाफिज साहब, इरम और मीरा को इजाजत दीजिए। आज बारिश शो में पहली दफा आई है ना, नाम भूल जाते हैं पता है, पार्ट ऑफ द शो। तो जनाब आपसे हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।